अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपको खुश आमदीद। आज हमने ख्वाजा मीर दर्द की गजल नंबर 2 करनी है। अच्छा जी, आपके सामने इसके अल्फाज मायने शो हो रहे हैं, अपनी बुक्स पे आप लोग इनको नोट कर लें। और ख्वाजा मीर दर्द जो है वो एक सूफी शायर है और गद्दी नशीन भी है। ख्वाजा मीर इनका नाम था और दर्द जो है वो तखल्लुस करते हैं। और अच्छा जी, दर्द के हाँ मजाजी की बजाय हकीकी रंग ज्यादा नजर आता है। और इनकी जो शायरी है उसके मौजूआत जो है वो तसव्वुफाना है। पहला शेर है, क्या फर्क दाग गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। अच्छा, अब इसका जो मफहूम है वो है, जिस तरह फूल में खुशबू ना हो तो फूल और जख्म में कोई फर्क नहीं होता, इसी तरह जिस दिल में तू मौजूद नहीं वो दिल किसी काम का नहीं। अब इसकी हम तशरीह देखते हैं। तशरीह क्या है कि शायर कहता है, ए खुदा जिस दिल में तू मौजूद नहीं वो दिल ऐसे है जैसे बगैर खुशबू के फूल है। अब इस शेर में हमें ख्वाजा मीर दर्द का तसव्वुफ का जो एक नजरिया है वो नजर आता है कि मजाजी के बजाय वो इश्के हकीकी की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि जिस तरह फूल में खुशबू नहीं होती तो वो बेकार लगता है, इसी तरह जिस दिल में खुदा मौजूद नहीं वो बेकार है, और अपने खुदा को क्या अच्छा जी, यानी कि अगर खुदा इंसान के दिल में है तो वो इसे हर जगह नजर आएगा, फूलों में, पौधों में, पत्तों में, पानियों में, जमीन और आसमान में, अपनी जात में, हर जगह, यानी कि इस कायनात के जरे जरे में खुदा बसता है। अगर इंसान का दिल खुदा का घर है तो इसके लिए खुदा बहुत नजदीक है, वरना इसका दिल खुशबू के बगैर एक रूखे फूल की मानित है। और ये और इसके लिए ये दुनिया, ये जिंदगी सब यूं है जैसे देख कर भी कुछ ना देखा हो। अब हम शेर नंबर 2 करते हैं। होवे न हौल कुव्वत अगर तेरी दरमियान, जो हमसे हो सके है सो हमसे कबू ना हो। यानी कि ऐ खुदा, अगर तेरी ताकत और बुजुर्गी साथ ना हो तो जिस तरह हम काम करते हैं वो हमसे कभी भी ना हो। दर्द सुफिया के उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जो कायनात में सिर्फ खुदा के पैरोकार हैं और इस कायनात को खुदा की मंशा के मुताबिक देखते हैं। जेरे गौर शेर में दर्द हमें अपनी इस रविश पर गामजन नजर आते हैं जो उनके अबाओ अजदाद से उनको मिली थी। इस शेर में कहते हैं कि खुदा ही इस दुनिया में कारफरमा है, वो राजिक है, खालिक है, मालिक है, इसको बनाने और चलाने वाला है। दर्द कहते हैं, खुदा तेरी ही ताकत, बुजुर्गी और बरतरी है कि हम सब काम करते चले जाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो ये सब काम हम कभी ना कर सकें जो आप करते हैं। ये सब तेरी ही मर्जी है, तेरी ही रजा है और इसमें हम राजी हैं। अगर सब कायनात मिलकर भी किसी को कुछ देने पर आए तो नहीं दे सकती जब तक खुदा ना चाहे, और अगर मिलकर छीनने पर आ जाए तो नहीं छीन सकती जब तक खुदा ना चाहे। यानी कि खुदा की जो मर्जी है वो होता है, हर चीज उसकी इजाजत की तलबगार है, सारी बुलंदियां उसी के लिए हैं, वो जो चाहता है वो करता है, उसने सबकी किस्मतें बनाई हैं, वो सबसे बड़ा है, अजीम है। अब शेर नंबर 3 देखते हैं हम। जो कुछ के हमने की है तमन्ना मिली, मगर ये आरजू रही कि कुछ आरजू ना हो।
यानी कि हमने जो भी ख्वाहिश की हमें मिली, मगर मेरी आप ये तमन्ना है कि मेरी कोई आरजू ना हो। इस शेर में भी एक फलसफा नजर आता है हमें, जो सूफिया के यहाँ अक्सर देखा जाता है कि हमारी बेशुमार ख्वाहिशात हैं जो पूरी हो रही हैं, खुदा जो है वो हर तमन्ना को पूरी करता है, लेकिन फिर भी ये ख्वाहिश है कि काश कोई ख्वाहिश ना हो। यानी कि मीर दर्द इंसानी फितरत को बयान करते हैं कि इंसान की सृष्ट में ये बात शामिल है कि कोई ना कोई आरजू दिल में बसाए रखता है, और यही फर्क है इंसान और खुदा में। अब इस शेर में मीर दर्द अपनी इस तमन्ना या ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि मैं जिंदगी में बहुत सी ख्वाहिशात को अपने दिल में जगह दी है और सब पूरी होती गई, खुदा मुझ पर मेहरबान रहा, सबसे सब कुछ नवाजता रहा, लेकिन मेरे दिल में ये आरजू है कि काश मेरे दिल में कोई तमन्ना ना हो, कोई ख्वाहिश जन्म ना ले, ताकि मैं पुरसकून जिंदगी गुजार सकूं। या ख्वाहिशात का एक अंबार है जो इतना वसी है कि कोई हद नजर नहीं आती, एक के बाद दूसरी ख्वाहिश का सिलसिला जारी और सारी है, और हर ख्वाहिश के असूल के लिए इंसान भाग दौड़ कर रहा है, तगो दो करता रहता है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। दर्द ने अब इस शेर में एक सूफियाना फलसफा बयान किया है, इंसान और खुदा में फ़र्क वाजे ये किया है कि इंसान का दिल जो है वो ख्वाहिशात का घर है, खुदा ख्वाहिशात से मावरा है। इंसान एक के बाद दूसरी ख्वाहिश का इजहार करता है जो मरते दम तक जारी और सारी रहती है। अल्लाह मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी करता रहा, अब मेरी ख्वाहिश है कि मेरे दिल में कोई और ख्वाहिश पैदा ना हो।